Pace up. Learn and grow. Welcome to our channel Pace Up. आज हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जो कि मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 7 है. उसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ करिकुलम सिस्टम इन मैथमेटिक्स, यानी करिकुलम में क्या क्या सिस्टम अपनाए जाते हैं बच्चों को मैथमेटिक्स अच्छे से सिखाने के लिए. तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेथड्स ऑफ करिकुलम सिस्टम इन मैथमेटिक्स. क्या जरूरत पड़ी भाई अलग अलग सिस्टम से सिखाने के लिए. देखिए, एक तो मैथमेटिक्स एक मेंटली बच्चे ये रहते हैं कि बहुत कठिन है समझना पढ़ना, और कोई भी सब्जेक्ट आप एकदम से एक या दो साल के अंदर में नहीं सिखा सकते. तो हर एक चीज को सिखाने के लिए कुछ दो या तीन मेथड्स होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होते हैं जिससे बच्चा लॉन्ग टर्म में उसको याद रख पाए और उसे अपनी डेली लाइफ में और यूज कर पाए और आगे हायर स्टडीज में भी उसको रीगेन कर पाए या उसका प्रीवियस नॉलेज उसके काम आए. तो हम मेथड्स ऑफ करिकुलम सिस्टम इन मैथमेटिक्स के अंदर तीन मेथड पढ़ेंगे. पहला है कोसेंट्रिक मेथड, दूसरा है लीनियर मेथड, थर्ड है मिक्स मेथड. कोसेंट्रिक मेथड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है. क्यों? क्योंकि जब हम एक चीज सीखना चालू करते हैं और उससे हम बाहर जाते 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 तो उससे कनेक्टेड हम बहुत ज्यादा सीख लेते हैं. कोसेंट्रिक का ही मतलब है एक चीज बीच में और उससे बाहर 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 बाहर. इस शब्द को अगर आप समझ आएंगे तो आप इजीली इसके ऊपर लिख भी पाएंगे. तो स्कोप ऑफ सब्जेक्ट इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू ईच स्टैंडर्ड. जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसकी डिफिकल्टीज क्वेश्चंस की बढ़ेंगी और वैसे वैसे बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता जाएगा. एट लोअर स्टैंडर्ड द बेसिक नॉलेज इज गिवन. छोटी क्लास में हम उन्हें बेसिक नॉलेज देते हैं, जैसे एलकेजी यूकेजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना बताएंगे, फिर स्पेलिंग्स पे आएंगे ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर डब्ल्यू, फिर धीरे से हम थोड़ी उन्हें मान लीजिए 5 फ्लावर्स बने और 3 फ्लावर्स बने और बोलेंगे कि पूरे मिलके कितने फ्लावर्स हो जाएंगे, तो हम धीरे से उन्हें जोड़ना सिखा देंगे. फिर हम बोलेंगे कि 5 पेंसिल है, 2 तुमने किसी अपने फ्रेंड को दे दी तो कितनी बची, तो सब्ट्रैक्शन सिखा देंगे. तो लोअर स्टैंडर्ड में ऐसे चलेगा. एट हायर स्टेज द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट बिकम रिच एंड कॉम्प्लेक्स. धीरे धीरे ये चीजें कठिन होती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, फिर एलजेब्रा पढ़ने लगते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब सीखने लगते हैं. दिस मेथड इज प्रॉपर फॉर रिलेटेड एज एंड पावर और एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द पीपल्स. बिल्कुल ये अकॉर्डिंग टू द एज बनाया जाता है. अगर छोटा बच्चा है या तो उसको उस हिसाब से क्लास में उसका सब्जेक्ट रहेगा या टॉपिक्स रहेंगे, हायर क्लास में अलग टॉपिक्स रहेंगे और या फिर उन्हीं टॉपिक्स का इलैबोरेटेड फॉर्म रहेगा. कंटेंट इज इंट्रोड्यूस इन सिलेबस फॉर मोर देन वन स्टैंडर्ड बट द स्कोप एंड द एक्सपेंशन ऑफ द स्पेसिफिक यूनिट सब यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ द लोअर क्लास और स्टैंडर्ड. अब एक जो कंटेंट रहता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी क्लास में यूज होगा. मान लीजिए क्लास 1 के बच्चे को हमने टेबल पढ़ना सिखाया, तो अब ऐसा नहीं कि वो टेबल पढ़ के वहीं रुक जाएगा. अब आगे वो उसमें मल्टीप्लीकेशन करना सीखेगा, पहले 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, फिर और ज्यादा, फिर मल्टीप्लाई करते करते फिर वो देखेगा कि डिवाइड भी हम कर सकते हैं. तो इस तरीके से स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट का इलैबोरेट होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे सब यूनिट्स के साथ. मोस्ट यूजफुल मेथड मैंने पहली ही बार में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल मेथड है. टीचर डिसाइड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. जब टीचर कोई टॉपिक स्टार्ट करती है क्लास में तो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर सकती है उनसे क्वेश्चंस पूछकर, या उन्हें कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो उन्होंने पढ़े होंगे या प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे उससे रिलेट करके. तो ये है अपना कोसेंट्रिक मेथड. सेकेंड में हम आते हैं लीनियर मेथड. बहुत इजी सिंपल सा है, डायग्राम से ही आप समझ जाओगे. इन डिफरेंट क्लासेस स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ अ सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर मेथड. एक ही यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो वो अलग अलग क्लास में अलग अलग डिफिकल्टीज के साथ आएगा. जैसे फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर पहली बार में सिखा दिया, फिर भाई थोड़ा आगे चल के उसको एडिशन सिखाया, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर सिंप्लीफिकेशन और आगे और भी चीजें वो
सीखता जाएगा। लेकिन स्टार्ट किससे किया कि भाई पहले न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर होल नंबर के साथ होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो वो मिक्स फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सारी चीजें वन बाय वन वो सीखते जाते हैं। तो लीनियर मेथड बहुत ही इजी है, आप एकदम जो उसको डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा पाओगे जब तक आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का नॉलेज नहीं दोगे। तो जैसे छोटी क्लासेस हुई सेकेंड थर्ड फोर्थ, उनमें उनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताते कि भाई ऊपर वाला न्यूमरेटर है नीचे वाला डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिक्स मैथड पे। मिक्स मेथड में क्या होता है, टॉपिक्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड देन वन ग्रुप ऑफ ब्रांच इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। हम टॉपिक्स को कोरिलेट करते हैं कि कहां से कौन सा टॉपिक किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज हो रहा है और उस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। बट टीचिंग दिस मेथड कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन यूनिट इज डन, एक बार में हम एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, स्पेशली जो टीचर्स होगी वो एक ही टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी। स्पेसिफिक यूनिट इज रिमेम्बर्ड बाय पीपल फॉर लॉन्ग टाइम एज वेल एज इट अंडरस्टैंड्स क्विकली। एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने स्टार्ट किया तब बच्चा इजीली समझ पाएगा कि क्या स्टार्ट किया, उसने क्या सीखा। एग्जाम्पल दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डायग्राम, जैसे आपने बताया कि एक सेंटर लो और मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको अपने कंपास से एक सर्कल बनाना है, तो यहां से यहां तक जो लाइन आई वो रेडियस है, पूरा अगर ज्वाइन हो जाएगा तो वो डायामीटर है। तो इस तरीके से क्या हुआ, टीचर एक टॉपिक पे स्टिक होके उसने सारी चीज इलैबोरेट की, पर उसके पहले उसने क्या क्वेश्चन प्रीवियस उससे पूछी होंगी कि सर्कल के बारे में आप क्या जानते हो, कैसा होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें। तो इस तरीके से हमने टॉपिक कवर किया अपना मेथड्स ऑफ करिकुलम सिस्टम एंड मैथमेटिक्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।